हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लेंडर ट्यूटोरियल। के आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है नोट्स के ऊपर। इसके पहले की क्लास में जो मैंने मटेरियल्स की क्लास थी उसमें कुछ नोट के बारे में बेसिक थोड़ा सा बताया था, तो आज उसी नोट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले की क्लास में बता ही चुका हूँ मैं कि मैं पहले इस मॉडल को पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे वही जो हम ने पहले मॉडल गया था मंकी का, उसको ले लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सब डिवाइड, ताकि थोड़ा स्मूथ कर पाए अपन इसको, और इसको शेड स्मूथ कर दिया है ना। इसी मॉडल पर हम काम कर रहे थे पिछली क्लास में। अब देखो मैं इसका आपको बताता हूँ नोट्स के बारे में बताना। तो पहले तो इसको हम एक मटेरियल दे देते हैं, प्रिंसिपल BSDF। अब देखो जनरली जब भी आपको नोट्स के ऊपर काम करना है तो आप इस शेडिंग टैब में जाके करेंगे। ठीक है, तो इस शेडिंग टैब पे क्लिक करोगे तो ये एक विंडो ओपन कर देगा। ये लाइटिंग इसने जो इसके वर्ल्ड सेव है बाय डिफॉल्ट उसमें ले लिया, तो ये हो गई। अब ये तो नॉर्मल मटेरियल हो गया ना, आज हमको देखना है नोट्स का क्या काम है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या नोट्स अवेलेबल है ना। तो मैंने बताया था आपको शिफ्ट ए से आप देखेंगे ऑप्शन आएंगे, या फिर आप यहाँ से भी ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू खुलता है ना वो आप शिफ्ट ए से भी खोल सकते हैं। तो या तो आपकी इच्छा हो तो यहाँ से ऐड करके कर सकते हो। तो देखो कितने सारे ऑप्शन है, इनपुट है, आउटपुट है, शेडर है ना, सारे सबके अपने अपने यूज़ है। जैसे इनपुट आपको क्या क्या देना है ना, इतने सारे हैं। आउटपुट तो ये एक ही है, मटेरियल आउटपुट। शेडर, जो हमने बहुत सारे शेडर पढ़े थे, देखो मैंने बताया था इन सबको शेडर बोलते हैं। टेक्सचर्स अलग अलग हम देखते हैं क्या होते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर शिफ्ट ए दबा के कर सकते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या आता है, जैसे अभी मान लो मैं इसको बेस कलर दे देता हूँ कुछ, है ना, ये ब्लू ही दे देता हूँ और इसकी रफनेस में 0 कर देता हूँ। इस टाइप का शाइनी एक मटेरियल बना लिया हमने। अब इस बेस कलर, अब देखो ये जो तो आपको यहाँ पे कुछ कलर्स भी दिख रहे हैं, जो बेस कलर का डॉट है ये है येलो कलर का, फिर ये ग्रे कलर का है ना। तो इन डॉट्स के कलर का भी क्या मतलब है वो भी मैं बताऊँगा। जैसे आप देखो मैं बेस कलर है ना, और आप चाहते हो कि इसका जो कलर है जो इतना एकदम शाइनी शाइनी तो ठीक है, जो इतना एकदम प्रॉपर दिख रहा है ना कंटिन्यूस, आप चाहते हो इसको थोड़े से स्क्रैचेस या थोड़े से ऐसे इसमें होल्स होना चाहिए, मतलब इस टाइप का अगर आपको टेक्सचर देना है ना, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है इतनी, थोड़ा सा फ्लॉ होगा उसमें तभी हम उसको रियल वाला फील दे सकते हैं। इसके लिए हम दबाते हैं शिफ्ट ए। देखो तो सबसे ज़्यादा इसमें काम आते हैं टेक्सचर्स। ठीक है, तो इसमें देखो इतने सारे टेक्सचर हैं, ब्रिक टेक्सचर, चेकर टेक्सचर, क्या क्या होता है देखो मैं दिखाता हूँ। ब्रिक टेक्सचर अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक ब्रिक टेक्सचर का इसने नोड ओपन कर दिया, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे कलर पे येलो येलो है और यहाँ पर बेस कलर पे भी येलो है, मतलब जनरली नोट्स में ऐसा ही होता है कि आप जिस कलर का इधर नोड हो, इनपुट और आउटपुट का जो नोड का कलर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी वो एकदम सही से काम करता है। तो अगर मैं इसको कलर में जोड़ दूंगा तो देखो क्या होता है, ये देखो इसने खुद एक ब्रिक टाइप का टेक्सचर अप्लाई कर दिया इस पर, मतलब इसका जो बेस कलर था वो यहाँ से हट गया है और ये यहाँ पे ब्रिक टेक्सचर के साथ अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर इसके कलर अवेलेबल, देखो कलर 1, कलर 2, तो इनको आप चेंज कर सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, है ना। ये ग्रे कलर की जगह जो आपको करना हो, ये ब्लैक कलर की जगह जो आपको करना हो। ठीक है, तो ये काम होता है टेक्सचर्स का। जैसे मैं ब्रिक टेक्सचर को यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट करने का वही तरीका, आप क्लिक करो और एक्स दबा दो जो हम नॉर्मल 3D व्यूपोर्ट में करते हैं, तो ये फिर से वही वाला कलर आ गया। हम अगला टेक्सचर देखते क्या है, चेकर टेक्सचर। चेकर भी समझते हो, चेस टाइप का जो टेक्सचर होता है, देखो वही आ जाएगा। इसके भी आप कलर चेंज कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल है। इन्वायरमेंट टेक्सचर मैं अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। ग्रेडियंट टेक्सचर, ग्रेडियंट का मतलब भी आप समझते हो। अब जैसे अभी तो आपको कोई फ़र्क दिख नहीं रहा है ना, कोई ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब आप समझते हो एक कलर से दूसरे कलर की तरफ जाना है ना, दोनों कलर इसमें मिक्स हो, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे इसमें है ना, जैसे मान लो इसको मैं लीनियर ही रहने देता हूँ,
अब अभी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पर आपको एक कलर का नोट देना पड़ेगा कि आपको कौन से दो कलर्स का ग्रेडियंट चाहिए। जनरली अगर आपको ऐसे कलर्स के नोट चाहिए, ठीक है, जैसे अभी आपको देखो ग्रेडियंट यहाँ पे हल्का सा ब्लैक दिख रहा है लीनियर में, है ना, ऐसे इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक कलर का नोट होता है, कलर रैम्प बोलते हैं, है ना, शिफ्ट ए दबा के। अब कलर रैम्प आप कहाँ ढूंढोगे, इसके लिए आप सर्च कर सकते हो कलर रैम्प, ठीक है, इसको यहाँ पर इसके बीच में लगाओगे तो अपने आप नोट ले लेगा। अब देखो, अब जब आप इस कलर रैम्प को कम ज़्यादा करोगे तो ये ग्रेडियंट चेंज हो रहा है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक एंड वाइट ही रखें, आपको अगर कलर चेंज करना है तो इस ब्लैक को आप जो कलर चाहो वो कर लो, इस वाइट को आप जो कलर चाहो वो कर लो। सॉरी, मैंने वाइट पे क्लिक नहीं किया था, है ना, ये देखो ये ग्रेडियंट आ गया, ब्लू से होते होते ये हो गया रेड टाइप का, है ना। तो ये होता है ग्रेडियंट। आप इसके बीच में जितने चाहे उतने कलर जोड़ सकते हो, ये प्लस का सिंबल, इसको आप प्रेस करोगे तो आप और कलर जोड़ सकते हो आपको जो चाहिए, है ना, ये होता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट टेक्सचर हो गया, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। फिर और देखते हैं इसमें टेक्सचर कौन कौन से हैं, इमेज टेक्सचर बताता हूँ, है ना। ये सब यू आपकी जैसे मैजिक टेक्सचर है ना, इसको आप अप्लाई करके देखोगे क्या होता है, ठीक है। ये थोड़े से अपने बाय डिफॉल्ट इसने टेक्सचर दे रखे हैं, अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कर सकते हैं, स्काई टेक्सचर, पॉइंट डेंसिटी, सब एक एक करके देखो वेव टेक्सचर में किस टाइप का वेव वाला लुक आ जाएगा, है ना। यहाँ से आप वेव की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं, स्केल है ना, डिस्टॉर्शन, ये देखो। तो ये सारे टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बेस कलर, बेस कलर पे देने का टेक्सचर। अब मैं आपको एक इमेज टेक्सचर भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे शिफ्ट ए किया मैंने, इमेज टेक्सचर सिलेक्ट किया और इसको कलर से बेस कलर से जोड़ दिया। अभी ये ब्लैक हो गया है क्योंकि इसके पास कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, मेरे को इसको एक इमेज देना है। तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अपने लैपटॉप में जहाँ पर भी आपको कोई इमेज देना हो उसको आप इमेज दे सकते हो। जैसे अगर मेरे पास एक इमेज है, मान लो ये देखो, ये इमेज का टेक्सचर इस पर अप्लाई होगा, मैं इसकी थोड़ी रफनेस बढ़ा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये देखो, है ना। ये पूरा जो मैंने, मेरे पास एक ग्राउंड की इमेज थी उसका एक टेक्सचर अप्लाई हो गया है, ठीक है। अभी ये बीच में जो आपको लाइंस वगैरह दिख रही है मैं इनको अलग से बताऊंगा, बट अभी बस बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे ये टेक्सचर्स काम करते हैं ना, कितना अच्छा लुक आ रहा है देखो। अब ये तो हुई बेसिक टेक्सचर्स की बात, है ना। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, पर आपको क्या होता है, जैसे अभी आप, मैं कंट्रोल से दबा के बताता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि टेक्सचर तो इस पर अप्लाई हो गया है ना, बट जैसे मान लो यहाँ पर ये होल है, थोड़े स्क्रैचेस है, बट अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है ना, ये बस दिख रहा है टेक्सचर, बट टेक्सचर का जो उठा हुआ भाग है, जो थोड़ा सा अंदर भाग है, वो सारा चीज़ें अप्लाई नहीं हुई है ना। जैसे यहाँ पर गड्ढा होना चाहिए बट नहीं, यहाँ पर भी एकदम शाइनी। तो इस टाइप की चीज़ें कैसे होती है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है मैप्स, बहुत सारे मैप्स होते हैं, मैप्स मतलब कुछ नहीं होती है, अलग अलग टाइप की इमेजेस होती है, कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरे इसमें खोल के कि मैप्स क्या होते हैं। जैसे ये टेक्सचर्स होते हैं, ये ग्राउंड का जो हमने अप्लाई किया, देखो ये इतने सारे मैप्स होते हैं, दिखाई दे रहे। तो जैसे अभी हमने ये जो अप्लाई किया है कलर का मैप, है ना, तो सिर्फ इसी का काम हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मैप्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, मैं सारों को सिलेक्ट करके आपको ओपन करके बताता हूँ, देखो, है ना, ये कलर मैप था, इसी का एक अलग मैप है, डिस्प्लेसमेंट मैप बोलते हैं इनको, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मैप हुआ और ये नॉर्मल मैप होता है। ये सब मिलते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, ये भी मैं बता दूंगा, बट अभी आप समझ लो कि मैप्स नाम की एक चीज़ होती है जो यूज़ होती है यहाँ पर हमको थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देने में। कैसे, वो कैसे होती है, जैसे आपने एक इमेज टेक्सचर बेस कलर में दे दिया, ठीक है, मैं इस इमेज टेक्सचर को डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने का वही तरीका है जो हम मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी से मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पर मैंने
दूसरी इमेज सिलेक्ट कर ली। अब मैं एक काम करता हूँ, ये रफनेस वाली इमेज सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इस रफनेस वाली को मैं इस रफनेस में कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो हल्का सा रफ लुक आ गया है, अगर आप ध्यान दोगे पहले शाइनी था, मैं इसको डिसकनेक्ट करके दिखाता हूँ, पहले पूरा शाइनी था, जैसे ही मैंने इस रफनेस को यहाँ पर जोड़ा तो ये रफ लुक आ गया है ना, और अच्छा लुक आ गया है। ठीक है, अब एक और मैं इसको शिफ्ट डी करके अगली इमेज सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल देखो यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, ये ब्लू कलर में होती है। और इसको देखो आप एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे एक देखो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो नोट्स जोड़ रहे हैं वो उनकी जगह पर जोड़े, जैसे रफनेस का नोट है तो वो रफनेस की तरफ जोड़े है ना, कलर का है तो कलर की तरफ, ऐसे ही नॉर्मल अपने नॉर्मल मैप सिलेक्ट किया तो आपको नॉर्मल पे जोड़ना, बट आप ध्यान दोगे देखो यहाँ कलर है और यहाँ पे नॉर्मल है, दोनों का कलर अलग है, जैसे यहाँ भी था कलर और रफनेस, बट आप जो ग्रे कलर होता है उनमें जनरली कुछ भी जोड़ सकते हो, बट जब आप अगर इस कलर में इस नॉर्मल को जोड़ोगे देखो क्या होता है, मतलब कुछ अजीब सा शेप बन गया, देखो अलग अलग से थोड़ी शाइन आ गई। इसके लिए क्या करते हैं, आपको कलर और नॉर्मल के बीच में एक नॉर्मल मैप नाम से होता है उसको जोड़ना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर कलर में कलर जोड़ दो और नॉर्मल में नॉर्मल जोड़ दो, देखो कितना डिफरेंस है, मैं आपको जोड़ के देखो डायरेक्ट जोड़ के बताता हूँ, है ना, ये डायरेक्ट जोड़ के ये इफेक्ट आ रहा था, बट जब नॉर्मल से जोड़ोगे तो ये है ना, देखो अच्छा इफेक्ट आ रहा है ना। ठीक है, तो ये होते हैं टेक्सचर्स। अब जैसे हमने तीन चीज़ जोड़ दी, रफनेस, नॉर्मल, ठीक है, इसमें और भी मैप्स होते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट मैप हुआ, ये सब हुआ, तो आप उनको जोड़ सकते हो, बट देखो आप कब तक ये एक एक करके जोड़ोगे, है ना, इसलिए उससे अच्छा एक तरीका है, इसमें मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा जो हमने बेसिक शेप बनाया था, बेसिक कलर दिया था वो आ गया। यहाँ पर एक चीज़ होती है नोड रेंगलर, देखो वो शुरू में आपके ब्लेंडर में डिसेबल होती है, आपको उसको जाके इनेबल करना पड़ता है। कैसे करते हैं, ये एडिट एडिट में आप जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे, यहाँ पे एडवांस नाम से ऑप्शन है ना, ये इतने सारे ऑप्शन है, उसमें एडवांस पे जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है नोड रेंगुलर, है ना, नोड रे, देखो ये आ गया नोड रेंगुलर, इस नोड रेंगुलर को आपको चेक करना है ना, मैंने पहले से करके रखा हुआ है, ठीक है, अनचेक रहेगा तो आपको इसको चेक करना है बस। इससे होता क्या है, इससे आपका काम आसान हो जाता है, कैसे, जैसे मैं देखो इसको यहाँ से डिसकनेक्ट करूँ, अब इसको आपको यहाँ से पकड़ के इसको इस सरफेस पे जोड़ना है, थोड़ा सा अभी तो एक नोड है ठीक है, बट आपको जब बहुत सारे नोड्स होते हैं तो आपको ये जोड़ना और हटाना इनमें थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसके लिए नोड रेंगलर क्या काम करता है कि जैसे आप किसी भी नोट पे आप कंट्रोल शिफ्ट दबाओगे और क्लिक करोगे तो वो जुड़ जाएगा डायरेक्टली अगले, है ना, तो ये आपको खुद से ऐसा करके जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है नोड रेगुलर का काम, और ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ थी, अभी जो हमने इतनी सारी इमेज अलग अलग डुप्लीकेट की उनको जोड़ा, वो काम भी हम नोड रेगुलर से कर सकते, कैसे, आप प्रिंसिपल BSDF को क्लिक करें, आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और टी दबाना है, फिर तो ये एक फोल्डर खोल के देखा, तो आपको जहाँ पर भी आपका टेक्सचर रखा हो, जैसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास जहाँ पर टेक्सचर रखे हैं है ना, ये मेरे बहुत सारे टेक्सचर हैं, मैं कोई सा भी एक ले लेता हूँ, ये रॉक वाला टेक्सचर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सबको सिलेक्ट करने के लिए या तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लो या ए दबा के सिलेक्ट कर लो, और प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप, देखो ये इसने अरेंजमेंट पूरा खुद से बना दिया, समझे, और देखो ये लुक कैसा आ गया एकदम रॉक, मैं अभी रॉक वाला टेक्सचर लिया है इसके लिए रॉक वाला लुक आ गया, समझ रहे हो, तो इस टाइप से मटेरियल्स बनते हैं ब्लेंडर में, है ना, ये जैसे मैंने अभी ये वाली चीज़ें नहीं बताई थी, मैपिंग, टेक्सचर कोऑर्डिनेट, ये भी मैं बताऊंगा, बट इसने अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी दबा के डायरेक्ट इसको टेक्सचर्स की लोकेशन बता दे तो ये अपने आप ये कलर है ना, रफनेस, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, देखो सारे ही अपने आप ले लेता है वहाँ से, है ना, ये कलर वाला इसने खुद ले लिया, जो भी कलर के नाम से होगा ये वाला है, तो इस टाइप से कि आप टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दो कोई दूसरा टेक्सचर लगाना है तो आप इन सबको डिलीट करो,
तो इनको डिलीट करने का एक तो तरीका आप सिलेक्ट करो सबको और डिलीट करो, या आपको अगर जैसे बहुत सारे नोट्स है और आपको ऐसा करना है कि आपको पर्टिकुलर कुछ नोट रखना है बाकी सबको डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जिनको रखना है उनको सिलेक्ट करो। देखो एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई दबाओगे, कंट्रोल आई क्या करता है, जो आपका सिलेक्शन है उसको इन्वर्स कर देता है। तो कंट्रोल के साथ आई दबाओगे तो बाकी के सारे नोट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप उनको एक्स दबा के डिलीट कर दो। देखो मैं दूसरा टेक्सचर अप्लाई करके बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर से टी दबा रहा हूँ, ये रॉक टेक्सचर की बजाय मैं कोई सा और टेक्सचर लगाता हूँ, वुड लगाता हूँ, ठीक है। ये देखो वुड का टेक्सचर आ गया, ये थोड़ी जो पेड़ों पर होती है ना वो वाली वुड है। देखो अभी टेक्सचर में और अच्छे से डिटेल में भी बताऊंगा, बस मैं अभी आपको नोट्स के बारे में बता रहा हूँ। ये टेक्सचर और परफेक्ट भी होते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा, अभी मैं बस बेसिक नोट्स बता रहा हूँ कि नोट्स का क्या काम होता है, समझे। तो ऐसे आप इन नोट्स को यूज़ करके अलग अलग टेक्सचर्स बना सकते हो स्क्रैच वाले, और जैसे अगर आपको ये डायरेक्ट टेक्सचर्स यूज़ नहीं करना है ना, तो आप अपने खुद के टेक्सचर बना सकते हैं, बट उनके उनमें बहुत मेहनत लगती है ना। आप ये सारे टेक्सचर यहाँ से बनाओगे वो सब चीज़ें, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें वो तो मैं उन्हें बताया ही नहीं है, मैं बस बेसिक नोट्स का आपको बता रहा था कि हर नोट पे अपने को उस नोट के हिसाब से चीज़ें कनेक्ट करना पड़ती है ना। ये इमेज टेक्सचर हुआ, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट मैप ना, ये सब हम जैसे जैसे कुछ मॉडल्स बनाएंगे तो साथ साथ इनको देखते जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैप्स की मैं बात कर रहा था ना, नॉर्मल मैप, रफनेस मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, कलर मैप, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ से, तो कुछ साइट्स अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उन साइट्स पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो उनमें से एक सबसे अच्छी साइट है मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है टेक्सचर हेवन, ठीक है। देखो texturehaven.com, इस साइट पे जाओगे, टेक्सचर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल हैं आपको। देखो इधर बहुत सारे टेक्सचर है, आपको जिस टाइप का चाहिए, मैंने मेटल चाहिए हो ना, फ्लोर है, आपको जिस भी टाइप का टेक्सचर चाहिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हो ना, डायरेक्टली क्लिक करो और यहाँ से डाउनलोड का ऑल मैप्स का ऑप्शन आएगा, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए। देखो ये रिजोल्यूशन है 1K, 2K, 4K, आपको जिसमें, मैं जनरली क्या करता हूँ 4K में करता हूँ, क्योंकि 8K क्या होता है, 8K में थोड़ा सा लैग करने लग जाता है ब्लेंडर, अगर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप 4K यूज़ कर लो, वो अच्छा होता है, उसका साइज़ भी कम होता है। और आपको JPG में चाहिए तो JPG में करो, PNG में चाहिए PNG में करो, आपकी इच्छा के, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्चर है बना, तो यहाँ से आप टेक्स्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने आपको मैप्स बताए सारे, ठीक है। उसके अलावा एक और मैं HDRI का भी आपको बता ही देता हूँ साथ में, ये जो पीछे का वर्ल्ड दिख रहा है ना, वर्ल्ड की ब्लरीनेस में कम कर देता हूँ। अब अगर आप लेआउट मोड में जाओगे, रेंडर्ड व्यू में जाओगे, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये वर्ल्ड है, बट आप, ठीक है, तो ये कैमरा यहाँ पर है, आप इसको अगर रेंडर करोगे तो आप देखोगे कि जो आपको दिख रहा है वो रेंडर होगा नहीं सही से। ये देखो, क्योंकि इसने क्या किया, ये जो वर्ल्ड आपको शो कर रहा था इसको रेंडर नहीं किया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसमें वर्ल्ड सेव है। तो आपको अगर वर्ल्ड के साथ इसको रेंडर करना, मतलब जो आपको वर्ल्ड की लाइटिंग दिख रही है ना, उसके हिसाब से अगर इसको सेव करना है, तो आप खुद का एक HDRI डाउनलोड करो। यहाँ पर एक वर्ल्ड नाम का टैब है, देखो ये अर्थ बना हुआ है, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज, इसमें आप कलर्स में जाओगे, कलर्स में आप सिलेक्ट करोगे एनवायरनमेंट टेक्सचर, और यहाँ पर इसको कोई HDRI की फाइल दोगे, जिसे मैं बता देता हूँ, मेरे पास कुछ HDRI सेव है, ये HDRI, इनमें से कोई भी HDRI की आप इसको फाइल एक दे दो, ठीक है। अब देखो, अब आप जब सीन वर्ल्ड करोगे, अभी क्या था, सीन वर्ल्ड को अनचेक कर रखा था तो ये बाय डिफॉल्ट वाला वर्ल्ड ले रहा था, बट आप सीन वर्ल्ड पे चेक कर दो, जैसे आप सीन वर्ल्ड पे चेक करोगे तो आपने जो HDRI सिलेक्ट करके रखा होगा उसके हिसाब से ये लाइटिंग कर देगा, ये देखो। और आप जब रेंडर भी करोगे तो ये वर्ल्ड के साथ रेंडर होगा, देखो समझ में आए। तो आपको अगर अपना वर्ल्ड की लाइटिंग चाहिए HDRI की, तो आप अपना खुद का HDRI डाउनलोड करो और उसको यहाँ पर वर्ल्ड की प्रॉपर्टी में कलर में इन्वायरमेंट देके सेट कर दो। और HDRI कहाँ से डाउनलोड करोगे, सेम साइट है,
ये जो टेक्सचर है वन है ना, इसकी जगह आप इधर देखोगे इसी साइड में अवेलेबल है HDRI हेवन। तो आप HDRI हेवन पे जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे HDRI मिलेंगे है ना। और HDRI में भी देखो ये मॉडल्स के ऊपर भी लाइटिंग करके बता रहा है कैसा होगा। तो आप कोई सा भी HDRI सिलेक्ट करो, सेम प्रोसीजर है ना, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन है 1K 2K, आपको जिस भी रिजोल्यूशन में चाहिए आप डाउनलोड कर लो और आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये बेसिक था आज मैंने थोड़ा सा नोट्स बताया आपको, टेक्सचर्स कैसे देते हैं वो बताया, उसके अलावा मैंने HDRI बता दिया क्योंकि इन दोनों का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही था, बाकी का फिर मैं अगली क्लास में बताऊँगा। तो मेरी क्लास को देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करो, शेयर करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।